Okay, firstly, welcome to IWM Buzz. Big, big congratulations for new show. Thank you so much. Excitement है show बहुत बहुत ज़्यादा excitement है. इतना बड़ा, इतने बड़े show का हिस्सा होना खुद में बहुत बड़ी बात है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. जी, आपसे आपके character के बारे में जानना चाहेंगे, कितना अलग होने वाला है ये character? अभी मतलब हमने रिसेंटली शूटिंग स्टार्ट की, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता कैरेक्टर के बारे में, बट हाँ इतना पता है कि थोड़ा फन एलिमेंट होगा इस कैरेक्टर में, जो आई थिंक मुझे प्ले करने में बहुत मज़ा आता है और वो ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगता है, तो हाँ फन है बंदे में. जब आपको शो के बारे में पता चला और आपके कैरेक्टर के बारे में पता चला, हाउ यू रिएक्टेड फर्स्टली? जब मुझे शो के बारे में पता चला मैं बहुत ज़्यादा खुश था, और जब मुझे कैरेक्टर के बारे में पता चला तो मैं और ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि इसे थोड़ा सिमिलर मैं पहले प्ले कर चुका हूँ, थोड़ा सिमिलर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा वो कॉमिक वाला, इश्कबाज वाला, बस उतना ही सिमिलैरिटी है, बाकी समझदार है, इंटेलिजेंट है. राघव और ये बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, 20-22 साल से दोस्त हैं, तो वैसा ही है. यस, बड़े अच्छे लगते हैं, हमेशा बज में रहा है, हमेशा अपने स्टोरी लाइन को लेकर ऑडियंस को काफ़ी एंटरटेन किया है. यू फील कि इट विल बी अ गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक नाउ फ्रॉम पोस्ट लिफ्ट? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जैसा पहले राम कपूर करके गए वैसा दूसरे राम कपूर नहीं कर सकते, जैसा दूसरे राम कपूर नकुल भाई करके गए वैसा हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ है, जो हम करके जाएंगे वो कोई और नहीं कर पाएगा. यस यस यस. आपने बड़े अच्छे लगते कि कितने सारे एपिसोड्स देखे, या जब शो मिला उसके बाद कुछ आपने लाइन अप करने की कोशिश? फ्रैंकली मैंने स्टार्टिंग में देखा था फॉर नकुल भाई, और जब मुझे पता चला कि मैं फाइनल हुआ हूँ तो मैंने थोड़ा सा और देखा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 5-10 एपिसोड्स मैंने देखे फैमिली को अंडरस्टैंड करने के लिए. yes, अगर बात किया जाए शो को लेकर, शो को कई सारा प्यार मिला है ऑडियंस से, व्हाट इज दैट वन थिंग आप पर्सनली ऐड ऑन करना चाहेंगे अपनी तरफ से ये शो में? इस शो में सब कुछ हमेशा से ही था. yes. तो मुझे नहीं लगता कि मैं पर्सनली कुछ ऐड कर पाऊंगा, लेकिन हाँ अगर हमारे राइटर्स क्रिएटर डायरेक्टर्स कुछ चाहें तो फिर ऐड हो सकता है, मुझे नहीं लगता, पर इस शो में हमेशा सब कुछ था और इसमें आगे भी सब कुछ रहेगा. yes. बस थोड़े कैरेक्टर्स नए आए होंगे, ये अलग होगा, और हानि की स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जो मैं बिल्कुल बता नहीं सकता, वो आपको देखना पड़ेगा. मैं बता नहीं सकता, ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, रणदीप बहुत अच्छा इंसान है, नीति बहुत अच्छी इंसान है, पूजा बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान है, सब बहुत अच्छे लोग हैं. मैं मतलब बाकी कास्ट, मेरे मॉम डैड से मिला, उनके साथ मैंने सीन किया, वो भी बहुत प्यारे हैं. एक्चुअली जो शो चलता है ना उसके चलने के पीछे कास्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है, कास्ट बहुत प्यारी होती तो ही शो चलते हैं, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं. आप हमेशा जो भी शो करते हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बन जाती है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद ऑल ऑफ योर कोस्टार, क्या कहेंगे इतने अच्छे अच्छे कोस्टार्स मिले हैं आपको? मेरी, मैं कहूँगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे कोस्टार्स मिले हैं, सब अच्छे होते हैं, पर कभी कभार आपको अच्छे लोग नहीं मिलते, बट मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए. एनी स्पेशल प्रिपरेशन यू हैव डन फॉर दिस कैरेक्टर? कुछ चेंजेस लाए हैं अपने आप में? मैंने अपनी टोनालिटी में थोड़ा चेंज लाया है, थोड़ा कॉमेडी की, पहले की मेरी टोन थोड़ी अलग थी, अभी की टोन ये है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा डिफरेंस है टोन में, और कुछ नहीं. What are challenges as an actor you face when you shift one character to another? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज ही एक था आज तक, कि मुझे कास्ट करने से पहले प्रोड्यूसर्स बोलते थे कि यू आर टू बिग फॉर द स्क्रीन, तो और वो चैलेंज अभी, एक तब हमको चैलेंज नहीं लगा, एक तब हमने मुझे कास्ट कर लिया जी. तो यही चैलेंज था जो मुझे हमेशा फेस करना पड़ा है एज एन एक्टर, बाकी तो विद टाइम यू लर्न, एक दो सीन्स, 10-15 सीन्स के बाद आपको पता चलता है आपका कैरेक्टर क्या है, आप क्या कर सकते हो आगे, चैलेंज यही था. फॉर यू व्हाट इज दैट वन थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, स्क्रीन टाइमिंग और कैरेक्टर इम्पोर्टेंस? कैरेक्टर इम्पोर्टेंस, स्क्रीन टाइम से कुछ नहीं होता, कैरेक्टर इम्पोर्टेंट हो और अगर प्ले करना आ जाए तो आई थिंक वो एक मिनट भी जो मुझे मिलेगा उसमें मैं रजिस्टर करवा दूंगा ऑडियंस को कि मेरा कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है. What is that one thing you want to do as a genre-wise? Comedy, horror. Comedy is your one of the most favorite. Favorite, favorite. मतलब आप सोचिए, आप
रोज सेट पे आए, आप रोज हंस रहे हैं, आप लोगों को हंसा रहे हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता मुझे कुछ चाहिए। बट कॉमेडी करना और हंसाना इजी नहीं होता है फॉर एन एक्टर, ऐसा हमेशा कहा जाता है कि इट्स नॉट इजी फॉर एन एक्टर टू लोगों को हंसाए, उनके चेहरे पे हंसी लाए, क्या कहेंगे इस पे? ये मैंने भी सुना है कि काफ़ी टफ है, लेकिन मुझे लगता है मेरे अंदर नेचुरली है, पहले से ही है, तो मेरे को ईजी लगता है। एक मैसेज हो जाए ऑडियंस, आपने बड़े अच्छे सीजन वन को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आपने बड़े अच्छे लगते हैं सीजन टू को उससे भी ज़्यादा प्यार दिया, ये सीजन टू का लीप है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ आप हमें भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने इन सबको दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।